ये बताने के लिए कि तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। मेरा तो ख्याल था कि अपने बारे में बातें सुन के वो डर के भाग जाएगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि चोर तो मेरे ही घर में निकला है। मालकिन की मेरे को माफ कर दीजिए, मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता। बिस्मिल ड्रामे की आने वाली 7वीं अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब रेहाम और मूसा ने तो ये सोचा था कि उनके इतने बड़े ड्रामे के बाद तकीर मासूमा को डिवोर्स दे देगा और फिर से वो हंसी खुशी रहने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अब तकीर तो मासूमा को छोड़ना ही नहीं चाहता, बल्कि वो ईसा और रेहाम के खिलाफ जाकर वापस मासूमा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा। और मासूमा और उसकी माँ तो यही चाहती हैं ऐशो इशरत भरी जिंदगी। अब ये बात ईसा और रेहाम से हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी, इस वजह से ईसा की शादी भी टूट जाएगी। लेकिन इस तकीर को जरा भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, लेकिन मासूमा का असल चेहरा देख लेने के बाद तो अपने किए पर बहुत पछताएगा। उसे रेहाम की बातें याद आएंगी, तब उसके पास कुछ भी नहीं होगा। आप सबको ड्रामा कैसा लग रहा है, कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।